रही बात कोई भी विवाद हो उसमें, देखिए भारत की क्या है, मैं आपको एक बताता हूं विशेषता क्या है। सनातनियों में या भारत के जो मूल धर्म है, ईश्वर पे सवाल करने पे कोई विवाद नहीं है। यहाँ तो जम के डिबेट शास्त्रार्थ होती है, ईश्वर है कि नहीं है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है गार्गी और याज्ञवल्क्य का जैसी फिल्म बन संवाद। जाती है। याज्ञवल्क्य के गार्गी को उसमें डेथ पेनाल्टी मिलनी चाहिए थी, इतने भयंकर सवाल उसने याज्ञवल्क्य से पूछे थे। देखिए लेकिन मैं बस शांत याद हो गया हूँ, होके, मिस्टर मिस्टर नहीं सुन बस लीजिए, नहीं याद सुन थोड़ा लीजिए, सा मेरी रुक बात जाओ, पूरी होने याद दीजिए। होगा जरूर, याद फिर उसके बोलिए ना, सारे तो फिर शंकाओं का बोलिए ना, समाधान ये दिया कोई गया। केवल लड़ाई झगड़ा नहीं है, सवाल थोड़ा पूछ लेने सा से इस तरीके से थोड़ा घोटराए सा हो सुन जाना लीजिए, कि सर थोड़ा सा काटो सुन तो इतना लीजिए देंगे मिश्रा वो जी, देंगे। सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए, ये पब्लिक को डेथ आप बोलने थ्रेट नहीं है। दे रहे हैं, आप बोलने दे रहे, आप किसी को फोन करके बोलिए मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा, वही सुनिए ना सजा मिश्रा ऐसे जी, होनी चाहिए जो पब्लिक में बोलते हैं। आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सवाल भी लीजिए, आप ही बोलेंगे, आप ही से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हम कह रहे हैं कि आप जब गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का उदाहरण रख रहे हैं, उस संवाद का, चर्चित संवाद का, और आप कह रहे हैं कि ऐसे में तो उनको मार दिया जाना चाहिए, ये भी बात एक ही सांस में कह रहे हैं, ये आज अरे की नहीं मानसिकता है, एक ही मिश्रा नहीं 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 जी, ये नहीं नहीं आज नहीं की प्रेम कुमार मानसिकता जी, है, ये मेरे हमारे कहने देश। का, नहीं, बोलिए मेरे ना, कहने बोलिए, का मतलब एक है, बोले मेरी बातें कंप्लीट हो जाए गार्गी पूरा। ने इतने इतने बेतुके सवाल पूछे थे जो कि एक सभ्य सभा में नहीं पूछने चाहिए थे। मतलब बहुत ही उल्टे आपकी सी मानसिकता है कि नहीं पूछने चाहिए थे, सुनिए ना बात तो समझिए, ये आज प्रेजेंस माइंडसेट से आप कह रहे हैं ये सवाल उनको नहीं पूछने चाहिए। अरे हमारा तबका, समाज कितना महान था, नहीं, अरे आप आज गलत की समझ रहे मानसिकता हैं। का भी मैं सवाल तो नहीं। यही बोल रहा हूं कि हमारे समाज में निष्पक्ष तरीके से कोई भी सवाल करिए, सवाल पूछने से, डिबेट में कुछ बोलने से हमारे समाज में ये नहीं रही है कि किसी ने कोई सवाल पूछ दिया तो बस जी अब तो सर वही तन से जुदा। परिस्थिति बदली है, और आज हम ये चाह रहे हैं कि कोई सवाल ही ना किसने करे। बदली परिस्थिति? हमारे कल्चर को किसने बदला? कौन से वही लोग डर ये होता है, दूसरा इम्प्योरिटी कौन फैला बदले, रहे हैं? हम अपने आप को आपने तो नहीं बदले, बोला ना दूसरा कि सर कौन तन से बदले। जुदा, हमने तो नहीं बोला ना सर तन से जुदा। तो आप समझिए, हम प्रभावित हो रहे हैं, उन सर तन पड़ रहा है। अब देखिए सीन बिल्कुल बदल गया है, अब इस घटना के बाद बीजेपी को कोई गाली देने वाला नहीं है, कोई दोष देने वाला नहीं है, अब हम दोष दे रहे हैं केवल मुसलमानों को, केवल उन लोगों को, इधर और उधर, और आप समझिए कैसे शिफ्ट हुआ है। मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, कि वो पॉलिटिक्स जो कश्मीरी हत्या, कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद पलायन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर रहा था, वो आज खत्म हो गया। क्या ये सियासत आपको नजर नहीं आ रही है मिश्रा जी? नहीं देखिए, अब सियासत तो बहुत सारी नजर आएंगी। मैं बोलता हूँ कि भाई ग्लोबल लेवल पे भी इस पे सियासत नजर आएंगी। अरब देशों को इसमें कूदने की क्या जरूरत है? वो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम अपने हिसाब से चीजों को फाइनलाइज करेंगे या सेटल डाउन करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे जी मन की बोला सर, बात है और धर्मनिरपेक्षता के आधार पे मैं बता देना चाहता हूँ। जब किसी पत्थरबाज को पत्थरबाज बोल करके पत्थरबाजी की सजा देने के बजाय जाके कानून हाथ में सरकार लेगी और उसके घर गिराएगी, तो आक्रोश पैदा होंगे, नहीं, ये समझिए। सरकार एक सरकार बात चिन्हित करके नहीं घर गिरा रही है जो अपराधी हैं, जो जिन्होंने है, अवैध अपराधी है कब्जा क्या वो? किया अब है, फिर बेकार की जिन्होंने बातें मत करिए, अवैध जो कब्जा फैक्ट है किया उनको है, बातें कोई मत करिए अपराध किया है, मिश्रा जी, उनके प्लीज ऊपर रासुका लग रही है, हमारे आपके ऊपर थोड़ी मिश्रा लग रही है जी, रासुका। एक मिश्रा जी, जो जमींदोज जो घर किए जा रहे हैं, पत्थर दंगाइयों को सबक सिखाने के नाम पर किए जा रहे हैं, और वो सब एक ही समुदाय के, ये भी फैक्ट है, ये किसी हिंदू के घर नहीं गिराए जा रहे हैं दंगाई को, सुना उसके क्या लिए आपने? आप ये सरकार के सीधा सीधी प्रवक्ता से भेदभाव हो रहा पूछिए, है, कानून एक दूसरा विशेषज्ञों से पैदा करने पूछिए वाली कि संस्था किन तत्व, नहीं इसको हवा मत दीजिए सर, को ऐसे ही बहकाए जा उल्टे, रहे हैं, नहीं ऐसे ही ये समझ गया, इंडिया के जो यूट्यूबर वाले पत्रकार हैं ना, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, तिल का तार उन्होंने बना दिया, ऐसी कोई चलिए बहुत एक बड़ी और समस्या नारा नहीं कर थी। दीजिए, एक और नारा कर दीजिए, गलत यूट्यूबर गलत तो ये तरीके से नहीं फैक्ट कर रहा को है, बदला प्रेजेंट करना कि सरकार बदला ले रही है। आप ये बोलना चाहते हैं ले कि रही है सरकार ना, जानबूझ के बदला ले रही है? तो सवालों यही तो सीसीटीवी सवाल उठ रहे हैं, में कैद है, सीसीटीवी में कैद है उनकी पिक्चरें। सरकार संविधान और कानून के काम करने का तरीका है, साक्ष्य है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? आपके घर क्यों नहीं तो बुलडोजर आ रहा है, मुझे बताइए ना। सुनिए ना, सुनिए ना,
अगर मैं अगर पत्थरबाजी करूं तो मुझे पत्थरबाजी की सजा मिलेगी ना, कि मेरे घर तोड़ दिए जाएंगे? यही तो छोटा सा सवाल है योगेश जी। हाँ मैं बता रहा हूँ योगेश जी, एक मिनट आप जो बताइए, आपका एक नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आपका सवाल बहुत है, नहीं मैं बताऊंगा। नूपुर शर्मा ने पता नहीं कौन सी गलती कर दी कि हजारों जगह से सरपंच से जुदा की जो है वो आ गए, ऑर्डर आ गए, बाउंड्री रख दी गई जबान काटने पे, उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे, और ये जिन्होंने पत्थर मारा उनके साथ अन्याय हो रहा है। नूपुर शर्मा ने क्या बोला पहले, नहीं तो ये फार्मूला उसके साथ भी लगाइए ना, चार लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कर लीजिए कि नूपुर शर्मा ने सही बोला कि गलत बोला। देश की अदालतों को खत्म कर दीजिए सरकार। अरे कहाँ मान गए अदालत को, पत्थर लेके जो लोग निकल रहे हैं वो अदालतों को नहीं मानते हैं, जो मर्डर करते हैं वो अदालतों को नहीं मानते हैं, जो तोड़ फोड़ करते हैं ये बताता है कि वो अदालतों को नहीं मानते हैं, तभी वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उसी की सजा मुझे मिलेगी ना, और कानून के भाई नूपुर ने गलती की तो हजारों लोगों ने क्यों गलती कर दी? नूपुर ने गलती की तो हजारों लोगों ने क्यों गलती कर दी मुझे बताइए ना, कानून तो नूपुर के लिए भी है। गलती नूपुर ने की, लाखों लोग गलती क्यों कर रहे हैं, वही कानून तो नूपुर के लिए भी है ना। आप उनके लिए बोल रहे हैं, अरे जा करके कोर्ट में केस करिए, जो यहाँ का प्रोसीजर है नूपुर के खिलाफ, कि आप कानून हाथ में लेकर के उसको बोलेंगे कि सरपंच से जुदा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं, जिसको खुद नूपुर शर्मा ने जिसके लिए माफी मांगी, जिसके लिए उनकी पार्टी ने उनको फ्रिंज एलिमेंट बताया, जिसके लिए जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो सही था या गलत था इसको डिसाइड कर। मैं बोलता हूँ एक कॉमन आदमी को कानून के हिसाब से चीजें होनी चाहिए थी वहाँ पे भी, उसके लिए आप पत्थर लेके निकल लेंगे। ये दूसरा उपद्रवी समूह नहीं है, जो उपद्रव का जवाब उपद्रव से देगा, ये तर्क नहीं चलेगा। सरकार को जिम्मेदारी के साथ आना होगा, कानून के हिसाब से आना होगा, वरना गद्दी छोड़ कानून के हिसाब से ही तो काम कर रही है सरकार, ही तो उनको काम कर रही है, हम आप थोड़ी कर रहे हैं। घर क्यों तोड़ा जाएगा? सरकार ही तो डिसाइड कर रही है ना कि किसको क्या करना है, पब्लिक थोड़ी जाके उनके घर तोड़ रही है या उनको जेल में डाल रही है, पब्लिक को जो करना था वो कर लिया। मैं इस चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा।